ओके जी, तो यहाँ से फाइनल निकलने की तैयारी हो गई है, बीएनबी खाली कर ली है और अपने रूम में पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, बस निकलना है। मगर एक चीज़ जो अभी समझ आई है वो ये कि कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर जो मेरे होस्ट है उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे अगर मैं एड्रेस अपना बता जाऊँ अगली सिटी का, मैं जा तो हवाना की तरफ रहा हूँ मगर वो 10 घंटे यहाँ से दूर है, तो इसीलिए अगर वो बता जाऊँ तो टेक्निकली आगे जा सकता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट बस मेरे को ट्रैक कर पाए एज लॉन्ग एज आई कंटिन्यू टू बी इन अ बीएनबी टू बीएनबी, और रिजल्ट कब आएगा कैसे आएगा या कुछ पता नहीं है। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे करेंसी दो है, सीपीयू जो कि लोकल लोगों की होती है और सीयूसी जो कि अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर के बराबर होती है, जो कि अब मेरे को पता लगा कि $1.2 सीयूसी के बराबर होते हैं कई जगह पे, जैसे कि जिस कल रेस्टोरेंट से मैं चावल लेके आया था। तो इसीलिए अब बैंक जाना है, मगर बैंक यहाँ पे सारे के सारे सरकारी हैं और सरकारी बैंक्स का रेट जो है थ्रू आउट द कंट्री सेम है। उसके बाद फिगर आउट करना है कि डेटा के लिए सिम कार्ड कैसे लूंगा, क्योंकि कनाडा वाला डेटा अगर मैं यूज़ करूँ जो कि बहुत ज़रूरी काम आ रहा है अभी, क्योंकि अभी तक सिम नहीं थी, क्योंकि यहाँ नेविगेशन इन सड़कों पर बहुत मुश्किल है, तो वो मेरे को पड़ता है $12 पर डे, जिसमें मैं अपना एग्जिस्टिंग कनाडा वाला प्लान यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मैं कोशिश करूँगा कम से कम यूज़ करूँ, बट डेटा अपने को वीडियो अगर डेली डालनी है तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम निकलते हैं सिटी के सेंटर की तरफ, जहाँ पे जाना है पहले बैंक, कुछ कनेडियन डॉलर लेके आया हूँ उसके बदले देखूँ क्या एक्सचेंज रेट मिलता है, करेंसी लूँ और फिर सिम लें और फिर निकलें आगे हवाना की तरफ। बट क्योंकि हवाना 10-11 घंटे दूर है, तो बीच में एक शहर शॉर्टलिस्ट किया है कैमगे, जहाँ पे रुकना है क्योंकि उसके आसपास कहते हैं असली क्यूबा। देखो जी, बारिश बहुत ज्यादा है तो इसीलिए मैं ऐसे चला रहा हूँ कि साइडों पे यहाँ पे नाली हैं जिनमें पानी भर गया है, इंडिया की तरह उनमें ना घुस जाऊँ। बाकी यहाँ पे घोड़ा गाड़ियाँ चल रही है बारिश में भी। ये जी मेरे लिए रुका है क्योंकि प्रायोरिटी लेन मेरी है, हमने जाना है यहाँ राइट। ये वन वे साइन होते हैं, जो एरो बना हुआ ना इसका मतलब ये रोड वन वे है, और ये सब चला के ही समझ आया, पहले मुझे कख नहीं पता था। पता नहीं आपको कितना सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बारिश की आवाज बहुत ज्यादा है। तो जी यहाँ पे प्राइमरी टैक्सी तो घोड़ा गाड़ी है, टांगे खूब चल रहे हैं इधर। ये आ गया सामने बैंको, पर या तो भीड़ ही बड़ी है। एक तो प्लास्टिक के नोट है ना, गिनने में दिक्कत आती है, बट अभी 1000 कनेडियन डॉलर में एक्सचेंज करवा रहा हूँ ताकि कम से कम इतने पैसे हो जाएं। अब होपफुली यहाँ पे रेट सब जगह सेम है। एक तो 3 करें मेरे को रेट मिले हैं। एक रेस्टोरेंट पे गया था कल रात को चावल लेने, तो उसने $100 के 120 दिए यूएस के। आंटी ने मेरे को $100 के 100 दिए यूएस, $100 के यहाँ की 100 टूरिस्ट करेंसी यानी सीयूसी। बैंक गया तो ये तो कह रहे 90 सेंट देंगे हमें एक के, तो 300 कनेडियन डॉलर दे के इनके सिर्फ 223 मिले हैं, और अगर यूएस देता तो 250 मिलते, यानी कि बैंक से लेना तो सबसे महंगा पड़ा। तो अब कोशिश ये होगी कि आगे जहाँ भी मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता हूँ डायरेक्टली अपनी कनेडियन या यूएस करेंसी दूँ। यूएस तो खैर मेरे पास थोड़े बहुत ही बचे हैं, कनेडियन ही डायरेक्टली चलाऊंगा, देखता हूँ क्या रेट मिलता है। तो जी गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ पे कोई भी लोग कहीं से भी आ जाते हैं। एक बंदे को मेरा खुद्दा फोन पे बचते बचते बचा है, तो इसलिए बचा के निकाल लूँ। टेलीफोन कंपनी का ऑफिस ये है और एक ही टेलीफोन कंपनी और वो भी है सरकारी, तो इसलिए जो रेट मांगेंगे देना पड़ेगा, हाथ के हाथ एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो भी होना बड़ा जरूरी है। ये सामने इनका ऑफिस है।
तो जी जो सामने नीली बिल्डिंग है, जब मैं यहाँ पे गया तो पता लगा कि ये तो इनका हेड ऑफिस है। तो इन्होंने भेज दिया सड़क के दूसरी तरफ सामने ये वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे फोन लेने वालों की लाइन लगी हुई है। और इसमें मैंने अपना कोई एक घंटा खराब किया, और फिर फाइनली सिम कार्ड लेने के बाद टाइम था गाड़ी की तरफ जाने का और निकलने का। आगे कैम आगे castigo, yeah, y todo lo prohibido, vivir y las pescadas que tú y yo son por ahí, todos y todas esas poses que tú conoces, gracias a mi mujer y tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. और यहाँ पे भी मौजी लोग कई बार सड़क के बीच में आ जाते हैं, इसलिए चारों तरफ देख के ही गाड़ी चलानी पड़ती है स्लो स्लो। Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. तो जी ये तो नॉर्मल लोगों की कैफेटेरिया है, ताकि लोगों को लाइन में ग्रोसरी वगैरह के लिए ना खड़ा होना पड़े, छोटा मोटा वो खाना यहाँ पे खा लेते हैं। और हर जगह ऑलमोस्ट यहाँ पर लाइन दिखी जाती है, गाड़ी मैंने साइड पर लगाई है, अपना इंडिया की तरह कहीं भी आप साइड पे खड़ी कर सकते हो दो मिनट के लिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे एज यू नो दिखती रहती हैं। शोर बहुत है, तो इसलिए पास आके बोल रहा हूँ उस रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ जहाँ पे कल अच्छा एक्सचेंज रेट मिला था, चावल मिलते हैं। रस्ते के लिए खाना ही पैक करा लूंगा और फिर आगे चलते हैं। तो जी मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से एक ये 7 CUC का वेज कैसेडिया और 6 का एक ही क्रेप, दोनों वेजिटेरियन है, एक अभी खा लूँगा, मेरा शाम का बंदोबस्त भी हो जाएगा, दूंगा इनको 100 कैनेडियन डॉलर का नोट, और ये मेरे को अच्छे एक्सचेंज रेट पे वापस कर देंगे जो बाकी पैसे होंगे, तो इसीलिए कम से कम थोड़ी सेविंग हो जाएगी। तो जी फाइनली खाना पैक करा लिया है, आज का और रात का भी हो जाएगा, मगर एज ए टर्न आउट ये पूरे क्यूबा में अभी तक की सबसे बढ़िया जगह है एक्सचेंज कराने के लिए। 100 US डॉलर के 120, बट कनेडियन के लिए नॉट सो नाइस, कनेडियन के ये भी 80 सेंट ही दे रहे हैं, जो बैंक से थोड़ा सा बेटर है। बट फिर मेरे पास आखिरी 100 US पड़े हुए थे, मैंने वो एक्सचेंज करा लिए और पैसे ले लिया और खाना ले लिया। अब निकलते हैं आगे कामागे की तरफ। 200 किलोमीटर Somos Adán y Eva y estoy listo pa tomar el castigo. Agar bus mein jata to is bus mein jata omnibus. खेती खेत है, रोड सिंगल है, मैं चला रहा था कोई तकरीबन 60-70 की स्पीड पे, बट पीछे से मेरे गाड़ी टैं 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 करती है क्योंकि सिंगल रोड है, साइड से निकल फुल स्पीड वो चला रहा 90 पे, तो मैं सोच रहा हूँ उसके पीछे लगा लूँ। अब जी यहाँ पे टांगे आ जाते हैं सड़क पे, तो इसलिए थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। अब ये नीचे व्हाइट लाइन है, तो यहाँ से हम इसको ओवरटेक करके रॉन्ग लेन जा सकते हैं, सामने से कोई हो ना फिर वापस आ जाएंगे इसीलिए। और अभी तो सड़क सिंगल ही है, दिन दिन में क्रॉस करना जरूरी है, यहाँ पे मैं रात को गाड़ी नहीं चलाना चाहता। एक के बाद एक गांव आते जा रहे हैं, मगर एक ही सब जगह दिख रही है और वो है टांगे यानी कि घोड़ा गाड़ी, छोटी छोटी जगह है, छोटा सा गैस स्टेशन आ गया, अपना तेल अभी फिलहाल सिचुएशन ठीक है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखें तो इसके एक कोने में फ्लोरिडा प्रांत के फेमस मायामी शहर से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पे ये छोटा सा देश
क्यूबा है, जिसके ईस्टर्न एंड में होलगिन शहर में आया था, और मगर मेरी डेस्टिनेशन थी इसकी राजधानी हवाना। और हवाना तक का सफ़र था तकरीबन 750 किलोमीटर या फिर 10 घंटे का, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ने का फैसला किया। तो पहली डेस्टिनेशन रास्ते में आ रही थी कैमगे, जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा था। और जहाँ तक जी बात रही कोविड की, तो यहाँ पे मेरे को उन्होंने जो बात करी होस्ट, उन्होंने ये बताया कि आप आगे जा सकते हो, बस अपना एड्रेस दे जाओ ताकि गवर्नमेंट वाले जो एटलीस्ट आपको ट्रैक कर सके इन केस आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया हो। तो और ये तो कुछ पता नहीं था कि वो कब आएंगे, अगले दिन आएंगे नहीं आएंगे, तब तक रुकना है, किसी ने कुछ समझाया नहीं। तो इसलिए मैं निकल गया अपना एड्रेस दे के, अभी जिस शहर में जा रहा हूँ, अब यहाँ से अगले में जाऊँगा तो अगले का एड्रेस दे जाऊँगा, सो दैट दे कैन लोकेट मी शुड द नीड बी, एंड आई होप ऐसी कोई पंगे वाली नौबत ना आ जाए। बट अभी ठीक है, चल रहा है हिसाब किताब, क्योंकि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो मास्क पहन के और जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं अवॉइड करते हुए बेयर मिनिमम खाने वाने भी रख रहा हूँ। आई जस्ट होप हवाना पहुँचते पहुँचते तक रिजल्ट कैसे आ रहा हो तो पता लग जाए। पर गूगल मैप्स के हिसाब से ड्राइव अराउंड 3 घंटे की थी, मगर फिर भी मेरे को 4.5 घंटे लग गए। ये बस अड्डा है, ये आ गई पुरानी टैक्सी। ओके जी, ये शहर तो लिटरली जिसे कहते हैं यूरोप की तरह लग रहा है देखने में, क्योंकि ये 100% स्पेनिश लोगों का बसाया हुआ है पुराना। इसको कहते हैं रियल क्यूबा, तो इसीलिए यहाँ पर लगता है टाइम लगाना पड़ेगा, एक दिन इधर ही रुकते हैं और आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ वीडियो। ओके जी, तो गेट से अंदर आके ये है अपना एरिया, फ्रिज लगा हुआ है, माइक्रोवेव नहीं दिख रहा, एक टेबल है यहाँ पे, मेकशिफ्ट सी किचन है, ये बेड है बेडरूम जो अपने को मिला है, और इसकी भी कॉस्ट अराउंड $20 के आसपास है 1 बेडरूम की, नॉट एक्सपेंसिव। एसी लगा हुआ है, छोटा सा टीवी है, वॉशरूम अटैच्ड, बढ़िया अपना फर्स्ट क्लास काम कर जाएगा। तो ये BnB तो ये है अपना, अंदर से आप लोगों ने देख ही लिया। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बस आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कंट्री थोड़ी सी खड़ी हो गई है, बट अब रिफॉर्म्स आने लग गए हैं रिसेंटली, कुछ टाइम से जब से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो इन लोगों ने इकोनॉमिक और प्राइवेट रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, प्राइवेट लोगों को प्रॉपर्टी ओनरशिप की राइट दे दी है, प्राइवेट बिजनेसेस थोड़े थोड़े शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये लोग जो है ना अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। और ये स्टार्क डिफरेंसेस मैं आपको दिखाऊंगा आगे के इसके आने वाले बड़े शहर जैसे कि कैमगे, सेंटा क्लारा और अंत में इसकी राजधानी हवाना में। तो जुड़े रहिएगा अपने ट्रैवलिंग डीसी के साथ। यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी देखने वाली बाकी रह गई हैं, तो अब मैं अगली वीडियो में ये शहर घूमूंगा। बट अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।